बगदाद का शासक काफी अत्याचारी था। उसने प्रजा को कष्ट देकर काफी धन इकट्ठा कर लिया था। इस बात की जानकारी गुरु नानक देव को लगी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा, असी उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा ओना उच्चियां दे, जिन्ना नीवियां नाल निभाई। सदके जावा ओना उच्चे आंदे, सुना है बागदाद का शासक अत्याचारी हो गया, प्रजा का शोषण कर रहा है, कुछ न कुछ तो उपाय ढूंढना ही होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अपने नगर में गुरु नानक देव महाराज आए हुए हैं और पता नहीं कैसी कैसी हरकत कर रहे हैं। पूरे नगर से पत्थर कंकर चुन चुन के जमा कर रहे हैं। असी उच्चियां दे संग लाई। गुरुदेव, ये कंकर पाथर किस लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं? भाई, कयामत तो आनी है, यह तो तुम ही जानते हो। अतः ईश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए यह कंकर इकट्ठा कर रहा है। अरे ये क्या, मैं तो आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, पर आपको तो इतना भी पता नहीं कि रूहें अपने साथ कंकर पत्थर तो क्या एक सुई भी नहीं ले जा सकती, एक सुई भी नहीं ले जा सकती। आप प्रजा को लूट कर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं उसे अपने साथ ले जाएंगे, तो उसी के साथ ये कंकर भी चले जाएंगे।